हेलो वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है। हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनका ये कहना है कि सर वन टू वन रिलेशनशिप नहीं क्रिएट करा पा रहे हैं, तो आज चलिए ये दिखाता हूं। हालांकि पहले भी इस पर वीडियोज़ मैंने बनाई हैं और आज के इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2019 यूज़ करूँगा। काफ़ी पॉपुलर है और ज़्यादातर लोग यही यूज़ कर रहे हैं, तो आज इसी पे सिखाता हूँ, इसी पे बताता हूँ। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को मैंने ओपन किया, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो गया। अब यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमको ये ब्लैंक डेटाबेस पे जाना है, ठीक है। तो इसी ब्लैंक डेटाबेस पर एक बार क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर क्रिएट आ जाएगा। आप क्रिएट पर क्लिक कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह का सिनेरियो आएगा। आपको पता ही है ऐसे डेटा एंटर हो नहीं पाएगा यहाँ पे। तो आपको कहाँ जाना है, व्यू पे जाना है और डिज़ाइन व्यू पे चले जाना है। टेबल वन नाम आ रहा है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। फिलहाल इसी को रहने देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको आईडी दिखाई पड़ेगी। अब ये प्राइमरी की है। अब प्राइमरी की क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक की सी बनी हुई है। एक्सेस में कीज़ का बड़ा महत्व है, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, ओके। तो इस तरह की बहुत सारी कीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं एक्सेस में, ओके। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्राइमरी की ही। तो प्राइमरी की एक यूनिक की होती है। जैसे बात करें हम नाम की, तो नाम किसी क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या अगर 50 है तो हो सकता है कि उसमें दो या तीन ऐसे नाम हों जो कि एक ही नाम दो या तीन स्टूडेंट के रिपीट हुए हों। जैसे सपोज कीजिए एक स्टूडेंट का रोल नंबर 5 है, एक स्टूडेंट का 6 है और एक स्टूडेंट का 8 है, और तीनों ही के नाम राम हो सकते हैं। तो इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि स्टूडेंट का रोल नंबर रिपीट नहीं होगा। और फॉरेन की रखते हैं तो क्या फ़ायदा होगा कि अगर नेम एक स्टूडेंट का सेम है एक क्लास में तो आप नेम भी लिख पाएंगे। दोनों ही को यूज़ करना मैंने सिखाया है डिटेल में, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर रोल नंबर की। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपली रोल नंबर, कुछ इस तरीके से ये रोल नंबर लिख दिया, इसे ऑटो नंबर रहने देता हूँ। और यहाँ पे कर दूंगा नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट भी लिख दिया है मैंने। और यहाँ पर रखूंगा मैं टेक्स्ट डेटा टाइप, शॉर्ट टेक्स्ट रख लेता हूँ। अब ये नया फीचर है तो शॉर्ट टेक्स्ट यहाँ आ जाता है, तो मैं शॉर्ट टेक्स्ट भी रख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से व्यू पे क्लिक कर दूंगा और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आ चुका है, ठीक है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर रोल नंबर आपको नहीं एंटर करना है, क्योंकि रोल नंबर खुद से आता चला जाएगा, क्योंकि हमने ऑटो नंबर लिया है, दैट्स वाई। अब यहाँ पर मान लीजिए एक स्टूडेंट का नाम राम है, ठीक है, जिसका रोल नंबर 1 है। दूसरे स्टूडेंट का नाम श्याम है जिसका रोल नंबर 2 है, ठीक है। तीसरे स्टूडेंट का नाम मोहन है जिनका रोल नंबर 3 है। चौथे स्टूडेंट का जो नाम है वो फिर मान लीजिए राम है। तो यहाँ पर राम का नाम दो बार रिपीट हुआ, इट मीन्स कि ये फॉरेन की है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं रोल नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये प्राइमरी की है। आई होप की बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर एक नाम और रिपीट, एक नाम और लिखता हूँ रितेश, ये लिख दिया। फिर यहाँ पर एक नाम और हिना लिख दिया। तो ये कुछ स्टूडेंट के नाम हमारे पास आ चुके हैं। अब इनको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है, ये सेव कर लिया हमने। अब हम दूसरा टेबल बनाते हैं, तभी तो हम रिलेशनशिप क्रिएट कराएंगे, तो टेबल तो बनाना जरूरी है। तो ये दूसरे टेबल पे आते हैं। अब दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनेगी, तो ये आ गए और यहाँ से दूसरा टेबल बनाया, तो ये आ गए दूसरे टेबल पर। अब इसको भी आप कोई नाम दे सकते हैं, फिलहाल टेबल 2 ही रखता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या देना है, ये बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर आपको कैसे डेटा एंटर करना है। तो यहाँ पर भी हमें प्राइमरी की ही रखना है, लेकिन यहाँ पे हम दे देंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये दे दिया रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये कुछ इस तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया हमने। और इसे भी हम क्या रखेंगे, ऑटो नंबर रख सकते हैं, चाहे तो आप नेम भी, सॉरी नंबर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए नंबर ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ऑटो नंबर रखिए या नंबर रखिए, बात तो वही है। तो ऑटो नंबर में क्या होता है, अपने आप नंबर देता चला जाता है, लेकिन दोनों नंबर की ही डेटा टाइप है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर रोल नंबर कर देता हूँ, क्योंकि रोल नंबर भी हमें देना है, ये फील्ड कॉमन होनी चाहिए अगर आप रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं दो फील्ड्स के बीच में, तो ये हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं टेबल 1 में ये आता हूँ मैं, तो रोल नंबर को मैंने ऑटो नंबर रखा हुआ है, ये देख सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो हमने ये टेबल बनाया इसमें हमें क्या करना है कि ये जो रोल नंबर है इसको हमें नंबर रख देना है। नंबर रख दिया, हो गया काम। यहाँ पर क्लास का नेम भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर क्लास कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्लास का नेम आएगा
और इसे शॉर्ट टेक्स्ट रखूंगा क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर 10th THB एंटर करूँ मैं नंबर के साथ साथ, तो नंबर और टेक्स्ट दोनों हो गया, तो दैट्स वाई यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि जो आपका रोल नंबर आपने लिया है यहाँ पर आपको आना है, और यहाँ पर ये बात ध्यान देनी है कि यहाँ पर डुप्लीकेट्स वैल्यूज अलाउ नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडेक्स दिया हुआ है, अगर आप इंडेक्स पे आते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है यस डुप्लीकेट ओके और यस नो डुप्लीकेट्स, तो यहाँ पर आपको यस नो डुप्लीकेट्स रख देना है। ये रखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है ना, तो ये क्लिक कर दीजिए और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आ गया। अब हमें क्या करना है, आप देखिए अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है, इन दोनों ही को सेव कर लीजिए अच्छे से, एक बार दोनों सेव कर लिया। इसमें हमने अभी डेटा एंटर किया नहीं है, तो यहाँ पर हम डेटा अभी एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट कर देते हैं हम लाइक 1111 यानी 1111 से। ओके, यहाँ पर रोल नंबर तो 1 ही रहेगा और यहाँ पर क्लास कर देता हूँ 10, ठीक है, TH लिख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे करता हूँ 1112, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ रोल नंबर 2, फिर यहाँ पे TH लिख पाऊंगा आप जैसा कि देख पा रहे हैं, फिर यहाँ पर आता हूँ 1113 और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 कर दिया मैंने, और यहाँ पर देखिए 12 लिख रहा हूँ तो TH लिख पा रहा हूँ, इसी वजह से मैंने यहाँ पर टेक्स्ट डेटा टाइप चूज किया है 1 4, ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे 4 और यहाँ पे कर देते हैं 12। ओके, तो ये हो गया, और फिर यहाँ करते हैं 1115 और यहाँ पे कर देते हैं 5, फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे 11 कर देते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से डेटा हमने एंटर करा लिया है। अब इसको सेव कर लेता हूँ और दोनों ही को क्लोज कर देता हूँ, सेव करने के बाद ये क्लोज कर दिया इस टेबल को, और फिर यहाँ पर इस टेबल को भी क्लोज कर देते हैं। दोनों ही टेबल क्लोज करने के बाद डेटाबेस टूल्स पे जाइए और यहाँ से आपको मिल जाता है रिलेशनशिप, तो ये रिलेशनशिप हमें बिल्ड करानी है, तो रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर इसको लेके आ जाएंगे और इसको भी लेके आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फील्ड आपको कॉमन दिखाई पड़ रही है, ठीक है, तो आप इसका रिलेशनशिप इस तरीके से क्रिएट करा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिख रहा है आपको 1-to-1 रिलेशनशिप, दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे 1-to-1 ही तो क्रिएट हो रहा है, इसके पहले 1-to-many नहीं कराते रहे, अब हमने 1-to-1 रिलेशनशिप क्रिएट कराया है। तो देखिए ये 1-to-1 रिलेशनशिप, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो इसे कहते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि 1-to-1 रिलेशनशिप, यहाँ पर आता हूँ तो इसका फायदा क्या है। यहाँ पर जैसे ही आऊंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1-to-1 रिलेशनशिप क्रिएट हुई है, और यहाँ पर रोल नंबर 1 राम का है ना, और रजिस्ट्रेशन नंबर इनका ये है, और ये पढ़ते हैं किस क्लास में, क्लास 10th में, तो दोनों नंबर को ज्वाइन कर दिया, मतलब 1-to-1 का रिलेशनशिप क्रिएट करा दिया हमने। ठीक है, इसे कहते हैं 1-to-1। अब 1-to-many कराएंगे तो क्या होगा, 1-to-many में 1-to-many आएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी, ये तरीका क्या है ये आपको पता तो चल ही गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी ज्यादा इस पर डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।